सो गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर आप अप्लाई प्रूफ देख सकते हो गाइस कि यह जो लोन एप्लीकेशन है यह मुझे यहाँ पे 45,000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से मिनिमम 10,000 का लोन ले सकता हूँ और मैक्सिमम मैं यहाँ से 45,000 का मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ। और इस लोन अमाउंट को लेने के लिए मैं जैसे यहाँ से वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और अपने बैंक का कुछ यहाँ पर डिटेल्स दूंगा तो विद इन 2 मिनट्स के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ से यह अमाउंट भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो लोन अमाउंट मुझे मिला है ओनली फॉर पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर मुझे यहाँ पे 45,000 का लोन अमाउंट मिला है। तो अगर आपका भी एज 18 साल प्लस है और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो दोस्तों आपको भी इस लोन एप्लीकेशन के अंदर 100% आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। तो दोस्तों, इस लोन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से भी जाकर इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और वीडियो के बीच में बता देंगे इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो जैसे आप फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है, जो देख सकते हो यहाँ पे आपको आ जाएगा मोबाइल नंबर इंटर करने का। दोस्तों, यहाँ पर नीचे देख सकते हो तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नीचे गेट ओटीपी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पे अभी दोगे उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको फिलअप करके वहाँ से आपको कंटिन्यू कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर इंटर करके मैं यहाँ से गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों, फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है, जो देख सकते हो कि अब आपको परमिशन देना है इस लोन एप्लीकेशन को। तो परमिशन में आप देख सकते हो कि आपको यहां से लोकेशन, डिवाइस, एस्टिमेट एंड कॉन्टेक्ट को आपको यहां से परमिशन देना है। तो परमिशन देने के लिए आपको नीचे अलाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहां से लगातार इस लोन एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है। जैसे आप यहां से परमिशन दे दोगे उसका दोस्तों आपको लास्ट में यहां से अलाउ कर देना है। जैसे आप यहां से परमिशन देकर अलाउ कर दोगे उसका दोस्तों फिर आप इस लोन एप्लीकेशन के होम पेज पर यहां पर आ जाओगे, जो देख सकते हो कि मैं यहाँ से होम पेज पे आ चुका हूँ। अब दोस्तों, अब आपको यहाँ से लोन अप्लाई कैसे करना है, तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दो टाइप के यहाँ पे आपको लोन मिलता है, जो देख सकते हो। पहला आपको आ जाता है कैश लोन और दूसरा आपको होम लोन यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ से कैश लोन भी अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ से होम लोन भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप यहाँ से कैश लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, तो आपको अगर मतलब ज्यादा लोन अमाउंट का जरूरत है दोस्तों, तो आप यहाँ से कैश लोन भी अमाउंट यहाँ से आप ले सकते हो। अगर आपको ओनली फॉर पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर चाहिए दोस्तों, तो आप यहाँ से कैश लोन ही अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से कैश लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप कैश लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपको इसे 100% होने देना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेना है। जैसे यहाँ से आप थोड़ा देर वेट कर लोगे उसका दोस्तों फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ओनली फॉर 2 मिनट्स के अंदर में आपको यहाँ पे लोन अप्रूवल हो जाएगा, जो देख सकते हो। और आपको यहाँ पे मतलब बस दो ही स्टेप में आपको यहाँ पे लोन दिया जाएगा। जो पहला आ जाता है बेसिक डिटेल्स यहाँ पे देना है, वर्क डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है, और सेकेंड में आपको आ जाएगा लोन ऑफर बता दिया जाएगा। उसका दोस्तों आपको अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे देना है, उसका दोस्तों आपका मतलब एंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ से आपको कर लेना है, उसका दोस्तों आपके अकाउंट में यहाँ से लोन अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये दोनों स्टेप करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो नीचे यहाँ पे एक चेकबॉक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो आपके इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपके यहाँ से गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों पहले आपका आ जाता है बेसिक डिटेल्स। तो बेसिक डिटेल्स में यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड में जो भी आपका नाम होगा वही नाम यहाँ पे इंटर करना है। अगर मान लेते हैं कि अगर आप किसी और का लोन अप्लाई कर रहे हो तो उसी का नाम यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसका दोस्तों नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप इंटर कर लो कि ये दोनों को जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा दोनों चीज यहाँ पे फिलअप है, उसका दोस्तों सीधा आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ से सीधा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर लोगे तो उसका दोस्तों फिर आपके सामने वर्क डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को आ जाता है, जो देख सकते हो वर्क डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वर्क डिटेल्स में आपको देना क्या पड़ेगा, आपको अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। पैन कार्ड का जैसे ही नंबर इंटर कर लोगे उसका दोस्तों आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इंप्लॉयमेंट टाइप में अगर आप सैलरीड पर्सन भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप अदर हो तो अदर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि अगर आप कोई गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हो या किसी अगर प्राइवेट मतलब कंपनी के अंदर आप जॉब करते हो दोस्तों, तो आप यहाँ से सैलरीड पर्सन सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर आप कोई मजदूर हो, आप किसान हो दोस्तों, या अगर आपका खुद का कोई दुकान है, खुद का कोई बिजनेस करते हो दोस्तों, तो आप यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो दोस्तों आप यहाँ से अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसका दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मंथली इनकम, तो यहाँ पे आपको अपना मंथली इनकम यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है दोस्तों कि आप महीना का कितना कमा लेते हो, तो अपना मंथली इनकम यहाँ पे दे देना है। उसके बाद सीधा आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सीधा यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक किया जा रहा है, उसका दोस्तों आपको लोन ऑफर बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, तो आप भी थोड़ा देर यहाँ पे वेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आप वहाँ से थोड़ा देर वेट कर लोगे उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस
देखने को आ जाता है। उसका दोस्तों जो आपका मंथली इनकम जो आता है वो आपको कौन से बैंक अकाउंट में आता है, तो वो बैंक अकाउंट यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ से अपना कोई सा बैंक अकाउंट यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप अपना कोई सा बैंक अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे वेरीफाई VA OTP का ऑप्शन देखने को आएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर जो देख सकते हो कि मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आ चुका है, उसका दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है, तो मैं ऐसे अपना OTP इंटर कर लेता हूँ। आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तो OTP आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे वहाँ से आप OTP इंटर कर लोगे उसका दोस्तों आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। उसका दोस्तों आपका बैंक अकाउंट जितना भी मतलब आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा सभी बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको सीधा यहाँ से प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपके यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों फिर से आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तो फिर से आपको OTP देकर यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे यहाँ से फिर से प्रोसीड कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब थोड़ा देर मुझे बोल रहा है 2 मिनट वेट करने के लिए दोस्तों। उसका दोस्तों मेरे यहाँ से बैंक अकाउंट को यहाँ पे चेक करके मेरे पैन कार्ड के द्वारा मुझे यहाँ पे बता दिया जाएगा कि मैं यहाँ से कितना लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल हूँ। दोस्तों चलिए यहाँ से हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा देर यहाँ पे वेट कर लीजिएगा। बोला जा रहा है 2 मिनट वेट करने के लिए, तो आपको भी लगभग 2 मिनट यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। जैसे यहाँ से आप 2 मिनट वेट कर लोगे उसका दोस्तों आपको लोन ऑफर बता दिया जाएगा कि आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। जैसे दोस्तों मैं वहाँ से थोड़ा देर वेट कर लिया उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे लोन ऑफर बता दिया गया। जो देख सकते हो मेरा लोन अपग्रेड हो चुका है, यानी कि दोस्तों मुझे लोन ऑफर बता दिया गया, तो मैं यहाँ से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर मैं यहाँ से 45,000 का लोन ले सकता हूँ। जो देख सकते हो कि अभी आप लाइव प्रूफ यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, आपके यहाँ सीधे इस लोन अमाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर आपका लोन अमाउंट यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 45,000 मेरा यहाँ पे लोन अमाउंट आ चुका है। उसका दोस्तों आपको जितना भी लोन ऑफर करेगा उतना लोन अमाउंट आपको ऊपर दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से मैक्सिमम मैं यहाँ से 1 साल के लिए इस लोन अमाउंट को यहाँ से ले सकता हूँ, और 1 साल के लिए अगर मैं यहाँ से लोन लेता हूँ 45,000 का, तो मेरा पर मंथ EMI 4600 रुपया बन जाएगा जो देख सकते हो, और इंटरेस्ट रेट 2.84% मेरा यहाँ पे लग जाता है। प्रोसेसिंग जो मेरा फ्री है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, और मैं यहाँ से मिनिमम 10,000 का लोन ले सकता हूँ, और मैक्सिमम मैं यहाँ से 45,000 का लोन ले सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए वो करना क्या पड़ेगा, नीचे को वेरीफाई बैंक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ से वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां से वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों अब अपने बैंक का यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको इंटर करना है। जो देख सकते हैं कि ऊपर आपको ऑप्शन देखने को आ चुका है बैंक डिटेल्स, तो बैंक डिटेल्स में यहाँ पे अब आपको अपना देना क्या है दोस्तों, आपको जो लोन अमाउंट अभी मिला है वह जिस भी बैंक अकाउंट में आपको लेना है वही बैंक अकाउंट का आपको यहाँ पे नाम इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, उसका नाम यहाँ पे आप सर्च करके अपना बैंक अकाउंट का यहाँ पे नाम इंटर कर लीजिएगा। उसका दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट का यहाँ पे IFSC कोड इंटर कर लेना है, उसका नीचे आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है, उसके बाद नीचे आपको एक चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से अपना बैंक डिटेल्स देकर मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं वहाँ से नेक्स्ट कर लूँगा दोस्तों उसका दोस्तों मेरे अकाउंट में इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा 1 रुपया भेजा जाएगा, और यह कन्फर्म करेंगे कि मेरे अकाउंट मतलब अभी एक्टिव है या नहीं है, तो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ से 1 रुपया भेजा जाएगा। तो चलिए दोस्तों मेरे अकाउंट नंबर भी यहाँ बोल रहा है कि मतलब प्लीज़ वेट करने के लिए, दोस्तों चलिए मैं यहाँ थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं वहाँ से थोड़ा देर वेट कर लिया उसका दोस्तों मेरे अकाउंट में यहाँ से 1 रुपया आ चुका है। उसका दोस्तों अब आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आपका EMI अमाउंट, मतलब अगर मैं मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से 10,000 का लोन लेता हूँ 1 साल के लिए, तो मेरा EMI यहाँ पर देख सकते हैं मतलब 1100 रुपया पड़ेगा पर मंथ, और यहाँ पे मेरा लोन अमाउंट यहाँ पे मैंने अपना सेलेक्ट कर रखा है कि मैं मुझे बस 10,000 का लोन का ही अमाउंट का यहाँ पर जरूरत है, और मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपका भी सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कम अगर मान लेते हैं कि अगर आपको 1 लाख का लोन ऑफर करता है, अगर आपको 50,000 ही 60,000 का लोन अमाउंट का जरूरत है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना लोन अमाउंट यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको कितना लोन अमाउंट यहाँ पर लेना है। उसके बाद आपको सीधा ऑटो पे वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर लेना, सेटअप ऑटो पे वाले ऑप्शन पर। चलिए दोस्तों मैं यहाँ सेटअप ऑटो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे वहां से आप सेटअप ऑटो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों अब आपको अपना ऑटो पे यहां से सेटअप करना है। तो ऑटो पे सेटअप करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे मतलब इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों यहां पर उससे पहले आपको देख लेना है कि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो या नेट बैंकिंग से करना चाहते हो या आधार कार्ड से करना चाहते हो। तो दोस्तों मैं यहां से आधार कार्ड से करना चाहता हूं दोस्तों, तो मैं यहां से अपना आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहां से सबमिट कर लेता हूं। जैसे आप वहां से आप सबमिट कर लोगे उसका दोस्तों यहां पे आपके सामने फिर इस टाइप का पेज ओपन आ जाएगा। उसका दोस्तों यहां पे आपको अपना आधार कार्ड का नीचे मतलब अपना नंबर डाल देना है, उसका नीचे वो कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से वो कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको यहां पे भी इंटर कर देना है। उसका नीचे भी आपको सेम वही OTP इंटर करके आपको यहां से कंफर्म कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहां से अपना OTP इंटर करके मैं यहां से कंफर्म कर लेता हूं। जैसे आप वहां से कंफर्म कर लोगे उसका दोस्तों आपका बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो फिर से आपको OTP यहां पे इंटर करके कंटिन्यू कर लेना है। जैसे
से वहाँ सब कंटिन्यू कर लोगे। उसका दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना KYC कंप्लीट करना है, तो KYC कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको अपना एक सेल्फी अपलोड कर देना है। उसका दोस्तों अपना आधार कार्ड को वेरीफाई यहाँ से कर लेना है। उसका दोस्तों आपको वीडियो वेरीफिकेशन यहाँ से कर लेना है। उसका दोस्तों आपको एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देना है। तो वीडियो वेरीफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे उसका दोस्तों आप अपना वीडियो वेरीफिकेशन वहाँ से कर लोगे। उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे अब आ जाता है पेन, मतलब पेन को यहाँ वेरीफाई करना है दोस्तों। पेन कार्ड को यहाँ से आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हो एंड वेरीफाई मैनुअल भी आप यहाँ पर कर सकते हो फोटो भी अपलोड करके। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपना डिजी लॉकर से करूँगा दोस्तों, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा दोस्तों फिर मेरे सामने इस टाइप का ऑप्शन देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों आप इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आपको आधार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों फिर से आपको अपना आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर इंटर कर देना है, फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे उसका दोस्तों आपका आधार कार्ड फिर से जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आएगा, तो वो OTP इंटर करके आपके यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ से आप सबमिट वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना MPIN इंटर करना है। तो 6 लेटर का कोई सा भी MPIN यहाँ पे अपना बना लीजिएगा जो आपको याद रहे, उसका आपको यहाँ से डन कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से अपना MPIN बना के मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। उसका दोस्तों फिर आपको यहाँ से अपना एड्रेस यहाँ से वेरीफाई करना है। तो एड्रेस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको अपना हाउस का नंबर इंटर कर देना है, स्ट्रीट यहाँ पे आपको डाल देना है। उसका दोस्तों आपको अपना लोकेशन का एरिया यहाँ पे इंटर कर देना है। उसका यहाँ पे अपना मतलब पोस्टल कोड यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसका सिटी यहाँ पे आपको डाल देना है। उसका दोस्तों आप जा रहे हो स्टेट, मतलब कौन से स्टेट में रहते हो वो स्टेट इंटर करके आपके यहाँ से नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपके यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे अब दोस्तों आपका यहाँ से लास्ट स्टेप आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट EMI यहाँ पे करना है, यानी कि दोस्तों आपका EMI जो होता है दोस्तों आपको EMI जो रिपेमेंट करोगे इस लोन एप्लीकेशन को, तो आप कब करना चाहते हो आपका EMI अपना सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। यहाँ पे आपको मतलब 1 तारीख से लेकर 31 तारीख आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप अपना EMI कभी भी यहाँ का अपना सिलेक्ट कर लेते। अगर मान लेते दोस्तों कि आपको जो सैलरी मिलता है वो 7 तारीख को मिलता है, तो आप यहाँ से 10 तारीख 15 तारीख का भी अपना EMI अपना खुद से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कब रीपेमेंट उनको करना है, ठीक है। तो जैसे अपना EMI यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे उसका दोस्तों आपका लोन अमाउंट नीचे देखने को आ जाएगा, आपका EMI देखने को आ जाएगा, आप कितना महीना के लिए ले रहे हो, आपका इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको लोन डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको अब इस लोन अमाउंट को लेने के लिए वो करना क्या पड़ेगा, गेट कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से आप गेट कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों विदिन 2 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में जितना भी लोन अमाउंट आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो उतना लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में यहाँ से भेज दिया जाएगा 5 मिनट्स के अंदर में। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे लोन की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, तो मैं यहाँ से लोन अप्लाई नहीं करूँगा। अगर आपको लोन का जरूरत है दोस्तों तो आप जाकर इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का नाम है नाभी लोन इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप जाकर प्ले स्टोर से भी इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाभी लोन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो आप मेरे जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इस नाभी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको नाभी लोन एप्लीकेशन का लिंक मिलता है दोस्तों वो पूरा रियल लोन एप्लीकेशन है दोस्तों। अभी प्ले स्टोर पर काफी सारे नाभी लोन एप्लीकेशन भी आ चुके हैं, जो आपको फेक लोन एप्लीकेशन भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी नाभी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं किसी भी कारण अगर आपको नाभी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिलता है, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है या अगर आपको लोन ऑफर ही नहीं बताया जाता है, तो दोस्तों अब आपको इस कंडीशन में अब आपको करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपका एज 18 साल प्लस है और आप पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर अगर आप मतलब मिनिमम 5,000 का लोन लेना चाहते हो और मैक्सिमम अगर आप 1,00,000 का लोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए 50 लोन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सैलरी स्लिप, कुछ भी नहीं आपको अपलोड करना है। ओनली फॉर पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर आप वहां से लोन ले सकते हो। आपको उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको मिनिमम 5,000 का लोन दिया जाता है और मैक्सिमम आपको 1,00,000 का लोन दिया जाता है। अगर आपको भी मिनिमम 5,000 लोन की जरूरत है और आपको मैक्सिमम 1,00,000 लोन की जरूरत है दोस्तों, तो आप जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोग भी उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लिए हुए हैं और मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोग भी उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लेकर खुश है। तो अगर आपको भी लोन की काफी ज्यादा नीड है दोस्तों, तो आप जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हो। तो बस गाइज आज की इस वीडियो में इतना गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।